हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी अ स्वीडिश लव स्टोरी को, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 15 साल के लड़के पेयर की, जिसे एक 14 साल की लड़की अनिका के साथ प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। तो वो दोनों अपने घर वालों से छिपकर एक दूसरे को मिलना शुरू कर देते हैं, जहाँ से उनकी ये रोमांटिक जर्नी शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी की शुरुआत होती है एक गैराज से, जहां पर हम देखते हैं कि उस गैराज के वर्कर काम कम और मस्ती ज्यादा करते हैं। दरअसल ये गैराज हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर पेयर के डैड का है। उन वर्कर के साथ वहाँ पर पेयर भी मौजूद था। पेयर अभी सिर्फ 15 साल का है, लेकिन वो हमेशा बड़े बच्चों जैसा दिखने की कोशिश करता है। पेयर के ग्रैंडफादर काफी बीमार रहते थे, तो उन्हें शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद पेयर अपनी फैमिली के साथ अपने ग्रैंडफादर से मिलने चला जाता है। यहाँ पर उनके ग्रैंडफादर उन सबको एक ओपन रेस्टोरेंट में लेकर चले जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल के पास में ही था। उस रेस्टोरेंट में एक और फैमिली भी मौजूद थी और उस फैमिली में एक 14 साल की लड़की भी थी, जिसका नाम अनिका था। पेयर सभी लोगों के लिए कॉफी लेने चला जाता है, जहाँ पर वो अनिका को देखता है। अनिका को देखते ही पेयर उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वहाँ पर खाना खाते समय भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन दोनों की फैमिलीज मौजूद थी, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। थोड़े टाइम बाद अनिका अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। पेयर और उसकी फैमिली भी अपने ग्रैंडफादर को बाय बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। पेयर अब ये सारी बात अपने दोस्तों को जाकर बताता है। अगले दिन पेयर अनिका को उसकी आंट एवा के साथ शहर में घूमते हुए देखता है, लेकिन वो दोनों अचानक से कहीं गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि आंट एवा अनिका को बताती है कि वो अपनी इस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, जबकि उसे अभी तक शादी के लिए कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिला। दूसरी तरफ पेयर अपने दोस्तों को अनिका के घर का एड्रेस पता करने के लिए बोलता है और जल्द ही वो लोग अनिका के घर का एड्रेस पता लगा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर अनिका के कुछ दोस्त भी मौजूद थे, जो अनिका को पेयर के साथ बात करने नहीं देते और अनिका को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले दिन अनिका के पीछे पेयर अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके दोस्तों की भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अनिका के डैड एक सेल्समैन है, लेकिन अभी उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस वजह से वो अनिका की मॉम के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगली सुबह अनिका के घर उसकी आंट एवा आती है, जहां पर वो देखती है कि अनिका कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। एवा जानती थी कि अनिका किसी लड़के को डेट कर रही है, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती। अनिका तैयार होकर क्लब चली जाती है, लेकिन पेयर वहां पर पहुंचने में एक घंटा लेट हो जाता है, जिस वजह से अनिका नाराज होकर उससे बात नहीं करती। लेकिन अगले दिन अनिका पेयर को उसकी गलती के लिए माफ भी कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अगले दिन अनिका पेयर से मिलने उसके गैराज में चली जाती है। अब उनकी ये दोस्ती अनिका का एक दोस्त देख नहीं पाता, क्योंकि शायद वो उनसे जेलस फील करने लगा था, तो वो पेयर को काफी ज्यादा मारता है। पेयर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अनिका वहाँ पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अनिका पेयर को मनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन पेयर अब अनिका को इग्नोर करने लगा था, मगर अनिका के काफी ज्यादा मनाने पर पेयर मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अनिका के घर की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, और अगर उसकी लाइफ में कोई खुशी थी तो वो था पेयर। अब अनिका पेयर को अपने घर लेकर आती है और अपने मॉम डैड से भी मिलवाती है। अनिका की मॉम को पेयर एक अच्छा लड़का लगता है, लेकिन अनिका के डैड को पेयर कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि अनिका के डैड के पूछने पर पेयर जवाब देता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है।
उन दोनों को घर में अकेला छोड़कर अनीका के मॉम डैड एक पार्टी में चले जाते हैं, जहां से वो अगले दिन वापस आएंगे। अब वो दोनों घर में अकेले काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इस बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह अनीका के घर आंट एवा आती है, जिसे देखकर पेयर अलमारी में छिप जाता है। अनीका पेयर को बाहर निकालते हुए कहती है कि तुम्हें आंट एवा से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पेयर भी अपने मॉम डैड को अनीका के बारे में बताता है और जल्द ही अनीका उनके घर रहने आने वाली थी। दरअसल पेयर शहर से दूर एक विलेज में रहता है। अनीका विलेज के ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और थोड़े टाइम बाद पेयर उसे लेने के लिए वहां पर आ जाता है। अब वो दोनों घूमते घुमाते एंजॉय करते हुए पेयर के घर चले जाते हैं, जहां पर पेयर के मॉम डैड अनीका का वेलकम करते हैं। अनीका अब पेयर के काफी करीब आने लगी थी और उसे पेयर के घर का माहौल भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पेयर के मॉम डैड एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। अब अगले दिन पेयर के डैड ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने अनीका की फैमिली को भी इनवाइट किया था। अगली शाम अनीका के डैड को छोड़कर सभी लोग पेयर के घर पार्टी में पहुंच जाते हैं। अनीका की मॉम पेयर के डैड से कहती है कि अनीका के डैड को कुछ काम था तो वो थोड़ा देर से पहुंचेंगे। रात होते ही वो लोग मिलकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे। अनीका की मॉम भी पेयर की फैमिली को पसंद करने लगी थी। काफी टाइम बीत जाने के बाद वहाँ पर अनीका के डैड भी पहुँच जाते हैं। पेयर का डैड उनका वेलकम करता है और साथ ही उन्हें एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। पेयर और अनीका तो एक रूम में जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ अनीका के डैड ड्रिंक के नशे में पेयर के डैड का एक विलेजर होने पर मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन पेयर का डैड उनकी बातों पर गुस्सा किए बिना ही उनकी बातों का उल्टा जवाब देता है। अब सभी लोग अनीका के डैड से काफी परेशान हो जाते हैं, तो वो लोग अनीका के डैड को अकेला छोड़कर अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। अनीका के डैड ड्रिंक के नशे में जंगल की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह पेयर के डैड सभी लोगों को फिशिंग के लिए जंगल वाली लेक पर ले जाते हैं। सुबह का टाइम होने की वजह से रास्ते पर काफी ज्यादा धुंध फैली हुई थी, जिससे आगे देखने में काफी मुश्किल आ रही थी। तभी उन लोगों को लेक में तैरती हुई अनीका के डैड की पार्टी हैट मिलती है, जिससे उन लोगों को लगता है कि शायद अनीका के डैड लेक में डूब चुके हैं। तो वो सभी लोग मिलकर अनीका के डैड को ढूंढने लगते हैं। अनीका के डैड भी ड्रिंक के नशे में उनके बीच ही घूम रहे थे, लेकिन धुंध की वजह से उन लोगों को वो दिखाई नहीं देते। तभी अनीका के डैड पेयर के डैड के पास आकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि अब यहाँ पर एक अजीब सा सीन क्रिएट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब सभी लोग लेक से वापस घर आने लगते हैं, जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी, कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।